डियर स्टूडेंट, ईवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हम इस वीडियो सीरीज के अंदर इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं और हम पार्ट थ्री के ऊपर आ चुके हैं, जिसके अंदर मैं आपको फंडामेंटल राइट्स का एक राइट करवाऊंगा। बाकी राइट मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूं, दैट इज राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये है क्या, ये एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो यूजफुल होगी और चाहे आप हिंदी और इंग्लिश किसी के भी स्टूडेंट हो, डेफिनेटली आपका काम पूरा हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि नए स्टूडेंट हो तो यार सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी और बेल आइकन दबा दो, ताकि कोई भी एजुकेशनल वीडियो मैं बनाऊं तो आपके तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मेरे सारे वीडियोज और स्टडी मटेरियल को एक्सेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये है क्या। मान लो ये हो आप हंसते खेलते इंसान, खुश इंसान हो, ये यहां पर हो, ठीक है। और अब हुआ क्या, इस इंसान को पांच फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, टोटल छह फंडामेंटल राइट है, लेकिन समझो एक बार बात को, इसको पांच फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं जो कि कोई भी इससे नहीं छीन सकता, पांच मौलिक अधिकार। लेकिन अब होता क्या है कि भाई इसके अलावा यहां पर इतने सारे लोग हैं अपने इंडिया के अंदर, कोई भी इसको तंग कर सकता है, कोई भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, कोई भी इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, जो कि पांच राइट को, कोई भी इसके फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन सकता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे रूल बना सकती है, ऐसा रूल जो कि इसके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता हो, इसे छीनता हो, तो अब भाई कौन बचाएगा इसको। फंडामेंटल राइट दे तो दिए, लेकिन उसकी गारंटी क्या है कि मिल जाएंगे मौलिक अधिकार। हां जी, उसकी गारंटी है, और उसकी गारंटी कौन करता है, हु इज गारंटर ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वेरी रिस्पेक्टेबल ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी को भी हमारे फंडामेंटल राइट छीनने की इजाजत नहीं देगा। और हमारे पास एक छठा फंडामेंटल राइट है। क्या है छठा फंडामेंटल राइट, कि कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट पर जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे रिट्स पास कर सकता है जो कि हमें अपना फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार दिला देंगे, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इतना तगड़ा राइट है, इतना तगड़ा अधिकार है, तो उसको भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ने हर्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, ठीक है। सीधा एक मार्क का क्वेश्चन है, मतलब सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, आर्टिकल 32। तो करें भाई फिर स्टार्ट, इसको एक्सप्लेन करूं। तो भाई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर ये पांच चीजें हैं, ठीक है। हैबियस कॉर्पस, मांडामुस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी। हो सकता है आपको ऐसे समझ में ना आए, तो एक बार धीरे धीरे सबको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले है हैबियस कॉर्पस, तो इसका मतलब है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, हैबियस, हैबियस का मतलब है हैवस, हैबियस, हैवस, हैबस, हैवस कॉर्पस, कॉर्पस मतलब बॉडी, हैवस कॉर्प्स मतलब हैवस बॉडी, अस मतलब हमें, हमें बॉडी दे दो, इसको याद रखने की ट्रिक है, ठीक है। हैवस बॉडी, हमें बॉडी दे दो, तो क्या मतलब है, देखो मान लो ये कोई आदमी है, ठीक है, इसको एक दूसरे आदमी ने या फिर हमारे किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस ने इस इंसान को बंदी बना लिया, ठीक है, इस इंसान को कस्टडी में ले लिया, तो क्या होगा, कोर्ट मतलब कोई भी दूसरा आदमी कोर्ट को जाकर बोल सकता है कि मेरा भाई, मेरे पिताजी, मेरा बेटा बंदी बना लिया, तो कोर्ट क्या बोलेगा, टू हैव द बॉडी, कोर्ट बोलेगा हमें वो बंदा दिखाओ, ठीक है, हमें उसकी बॉडी दिखाओ कि वो जिंदा है या किस हालत में है। और फिर कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट ये चेक करेगा कि जो भी कस्टडी में इन्होंने लिया था वो लीगल है या नहीं, अगर लीगल है तो भाई कोर्ट बताएगा आगे का प्रोसीजर क्या करना है, अगर इन्होंने इलीगली कस्टडी में लिया था तो उसको कोर्ट फ्री करवा देगा, आजाद करवा देगा, और इनको सजा देगा फिर, जिसने भी गलत काम किया। और जिस बंदे को डिटेन किया था वो क्या कर सकता है, वो कंपनसेशन, अगर इलीगली उसको डिटेन कर लिया ना
तो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई ये जो बात है, मतलब हमारे स्टेट के खिलाफ, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो रिट है इनको रिट बोलते हैं, ये जो रिट है हमारे स्टेट, स्टेट मतलब कि अपना देश, हमारे देश के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है, ठीक है, अगर हमारी कोई गवर्नमेंट का ऑफिस किसी आदमी को डिटेन कर ले, या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी कोई किसी दूसरे आदमी को बंदी बना ले, तो हैबियस कॉर्पस याद रहेगा ना, हैवस कॉर्पस, हैवस बॉडी। अगला है क्यो वारंटो, मतलब बाई वट वारंट और बाई वट ऑथोरिटी, मतलब किस ऑथोरिटी से भाई, कौन से अधिकार से, किस अधिकार से, तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है, क्यूओ मतलब क्या, वारंटो मतलब वारंट है, क्या वारंट है, वारंट मतलब क्या ऑथोरिटी है, क्या पावर है, कि भाई तुम्हारी क्या पावर है कि तुमने ये काम किया, या मान लो ये गवर्नमेंट का ऑफिस है कोई, ठीक है, उसके ऊपर कोई आदमी अपना अधिकार जमा ले, तो कोर्ट रिट जारी कर सकता है कि भाई तुम्हारे पास क्या वारंट है, वारंट मतलब क्या अधिकार है, किस अधिकार से तुम इस पोस्ट के ऊपर बैठे हो, ठीक है। अब मैं आपको इंग्लिश में बोलकर बताता हूं, इफ ए पर्सन क्लेम्स एनी पोजिशन इन पब्लिक ऑफिस तो उसके अगेंस्ट में यह जाएगा, ठीक है, ताकि किसी भी ऑफिस को इलीगली अजर्प ना किया जाए, क्या वारंट है, क्यों वारंट हो। अगला है भाई मांडामुस, मांडामुस मतलब वी कमांड, कोर्ट बोल रहा है कि भाई वी कमांड, हम ताकत में हैं, हम हैं ताकत में, तुम नहीं हो, मतलब अब इसको याद कैसे रखेंगे, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, इसको कमांड, कमांडम अस मतलब कमांडम, कमांड अस, अस मतलब हम, वी आर कमांडिंग, कमांडम अस तो हम कमांड कर रहे हैं, तो ये किसके अगेंस्ट होता है, कि मान लो, अब ध्यान दीजिएगा किसके अगेंस्ट होता है, कोई भी पर्सन या कोई भी पब्लिक बॉडी, पब्लिक बॉडी मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस या कोई भी कॉरपोरेशन या कोई भी इन्फीरियर कोर्ट, इन्फीरियर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट से इन्फीरियर, अगर अपना काम ना करे तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है जो काम उसको करना चाहिए, वो वाले काम की बात बोल रहा हूं, अब वो सुबह रनिंग पर ना जाए तो उसको कोई मना नहीं कर सकता, अपना काम ना करे तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है वी कमांड, हम कमांड कर रहे हैं भाई, हम पावर में हैं, तुम्हारा जो काम करना बनता है वो करो, ठीक है, तो किसके खिलाफ में इश्यू कर सकता है, कोई भी चीज जो, जिसका जो काम करना बनता है, पब्लिक बॉडी हो, कॉरपोरेशन हो, पर्सन हो या इन्फीरियर कोर्ट हो, ठीक है, हु फेल्ड जो अपना काम करने में फेल हुआ, और हु रिफ्यूज्ड जिसने अपना काम करने में मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं मांडामुस को, कि मांडामुस डायरेक्ट्स एक्टिविटी, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भी कौन सी रिट है जो एक्टिविटी डायरेक्ट करती है, एक्टिविटी डायरेक्ट मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, मांडामुस लगा तो मतलब अब वो काम करेगा, मतलब एक्टिविटी करवा दी ना, एक्टिविटी करने के लिए कौन सी रिट बोलती है, मांडामुस। आगे चले, मैं इसको मांडामुस, कमांडामस के लिए बोलता हूं, मांडामस बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। देन नेक्स्ट है भाई प्रोहिबिशन, अब प्रोहिबिशन के लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए, प्रोहिबिशन का मतलब है मना करना, मतलब टू प्रोहिबिट, तो सीधी सी बात है, अगर कोई गलत काम करे तो उसको मना करने के लिए प्रोहिबिशन लगाते हैं भाई। अब ये किसके अगेंस्ट में लगेगी, ये लगेगी भाई इन्फीरियर कोर्ट के अगेंस्ट में, इन्फीरियर कोर्ट, मान लो जैसे हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई भी कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन मतलब जो उनका अधिकार क्षेत्र है, सिर्फ क्षेत्र की बात नहीं है, जितनी भी उनकी ताकत है, ज्यूरिसडिक्शन से एक्सीड कर रहा हो, मतलब जो भी उसकी ताकत है उससे ज्यादा का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो, तो क्या करेगा, उसको प्रोहिबिट करेंगे, उसको मना कर देगा सुप्रीम कोर्ट कि भाई थोड़ा देख कर, ठीक है, ये आपके अधिकार में नहीं आता है। अब प्रोहिबिशन क्या करती है, प्रोहिबिशन डायरेक्ट इन एक्टिविटी, मतलब किसी को करने से रोकती है, अपने अधिकार से ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने से रोकती है, डायरेक्ट इन एक्टिविटी। और मांडामस क्या करता है, कोई काम ना कर रहा हो तो काम करने के लिए बोलता है, ठीक है, और ये इन्फीरियर कोर्ट के खिलाफ चलती है, और किसको मना करेगा यार, कोर्ट उन्हीं को बोलेगा। द नेक्स्ट सर्टियोरारी,
अब सर्टियोरारी मतलब यहीं से इसका मतलब बता रहा हूं, सर्टियो सर्टिफाइड आपको दिख रहा होगा, टू बी सर्टिफाइड मतलब सर्टिफाइड होना, टू बी श्योर, टू बी इनफॉर्म्ड, इनफॉर्म्ड होना कि भाई जो काम तुम कर रहे हो क्या तुम उस काम के लिए श्योर हो। जैसे कि मान लो भाई हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो किसी केस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पूछता है सर्टियोरारी के तहत कि भाई जो तुम काम कर रहे हो क्या श्योर हो तुम। मतलब मान लो हो सकता है या तो वो गलत डिसीजन दे दें, गलत डिसीजन ही दे दें किसी के कोर्ट का, हाई कोर्ट दे दे भाई, या फिर गलत ट्रैक पर चल रहे हो, डिसीजन दिया नहीं है गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, केस को गलत ट्रैक पर लेके जा रहे हैं तो उस केस को ट्रांसफर कर सकता है कि भाई मेरे को दे दो एक केस, या फिर उस डिसीजन को भी क्वैश कर सकता है। क्वैश मतलब कि रद्द कर सकता है उस डिसीजन को कि भाई नहीं ये डिसीजन मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये किसके अगेंस्ट में होता है, इनफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट में, सर्टियोरारी। क्या पूछ रहा है कोर्ट कि आर यू सर्टिफाइड, आर यू श्योर, क्या तुम्हें पक्का पता है तुम ठीक ट्रैक पर जा रहे हो, गलत ट्रैक पर जा रहे हो तो ट्रांसफर करो, और डिसीजन ही दे दिया गलत तो मतलब ये एरर को बचाता है, एरर ऑफ लॉ, कानून से कोई एरर हो जाए भाई, हाई कोर्ट भी तो कानून है, तो उसको बचाता है। तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आपको ये याद रहेंगे, तो ये सारे हैं, एक बार देख लीजिएगा कि आपको याद है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई इसको जरूर लाइक कीजिएगा, और अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए पर्सन है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भाई शेयर कर दो अभी देखो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें। बाकी मिलते हैं भाई अगली वीडियो के अंदर, और इस वीडियो सीरीज की सारी वीडियोज देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनका इस्तेमाल कर लो। तो बाय बाय, पढ़ते रहो, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।